Hello, all of you. Myself, Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. So, जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा टाइटल में और थंबनेल में कि आज की वीडियो में किस बारे में बात होने वाली है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और अपना पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ आप लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन और कोचिंग इंडस्ट्री के ऊपर. ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ. आपको काफ़ी सारी ऐसी नॉलेज मिलेगी जो आपको एक बेटर फ्यूचर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी. ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को. और जो भी कॉमन चीज़ें होती हैं मैं वो बताना चाहूँगा. सबसे पहले कॉमन चीज़ें जो भी ऑनलाइन एजुकेशन और कोचिंग इंडस्ट्री में कॉमन है वो देखिए. सबसे पहले तो जो भी टीचर्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन में या कोचिंग इंडस्ट्री में, वो आपको जितना उनसे हो सकेगा, जितना उनसे पॉसिबल होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का ट्राई करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे वो लोग. ठीक है, उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑनलाइन एजुकेशन में भी और कोचिंग इंडस्ट्री में भी. ओके, और स्ट्रेटजीज जो होती हैं जो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए फॉलो करनी चाहिए, वो स्ट्रेटजीज आपको बताई जाएंगी. आपके मोटिवेशनल सेशंस भी होंगे ऑनलाइन एजुकेशन में वीडियोस के थ्रू और कोचिंग इंडस्ट्री में आपके पर्सनली क्लास में आके. अगर आपकी कोचिंग में जहां आप पढ़ रहे हो वहां पे ऐसा कुछ बना रखा है, उन लोगों ने शेड्यूल कर रखा है तो ओके. और क्या होगा, आपको स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, आपको कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस कराए जाएंगे. जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे. ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज जो मोस्टली कॉमन होती हैं ऑनलाइन एजुकेशन में भी और कोचिंग इंडस्ट्री में भी. बट बात क्या होती है, यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ में आता है. सबसे पहली चीज़, ये जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं क्रिएटर्स, टीचर्स, फैकल्टीज, सारे लोग ऑलमोस्ट, या फिर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे फैकल्टीज, बहुत सारे क्रिएटर्स आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पे. ओके, बट कोचिंग इंडस्ट्री में इन्हीं सारी सिमिलर फैसिलिटीज के लिए आपसे लाखों में चार्जेस लिए जाते हैं. लाखों में मतलब कि वो बेसिकली ये बात है कि आप 1,00,000 2,00,000 और आपको नहीं पता है वो आपको IITs की सीट्स बेचना चाह रहे हैं. दैट्स इट, IITs की सीट्स बेचना चाह रहे हैं और आप 1,00,000 2,00,000 दे देते हो, ये भी नहीं सोचते हो कि वो IIT की सीट एक्चुअल में हो पाएगी कि भी नहीं. तो वो एक बड़ा डिसएडवांटेज लगता है मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन के हिसाब से. कोचिंग इंडस्ट्री में लाखों का डोनेशन लिया जाता है या फीस ली जाती है. ओके, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा मेरे ओपिनियन के हिसाब से गलत लगती है. ठीक है, गलत भी नहीं है, वो अपनी जगह पे सही है, हम अपनी जगह पे सही हैं. बट एक बेटर चीज़ जो है वो उस चीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन इस चीज़ में कोचिंग इंडस्ट्री से मुझे बेटर लगती है, ऑन माय ओपिनियन, ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ओके, तो जो दूसरी बात है वो क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन में आप अपने घर पर बैठ के पढ़ सकते हो. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो अगर आप, तो आपको किसी बाहर जाना पड़ेगा, अपने शहर से बाहर जाना पड़ेगा, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए जो छोटे शहरों से आते हैं. ओके, आप लोगों को अपने घर से निकल के बाहर जाना पड़ेगा, पीजी में रहना पड़ेगा, खाने की दिक्कत होगी, पीने की दिक्कत होगी, होती है, सबको होती है. ठीक है ना, सबको होती है. कोई टाटा बिरला अंबानी नहीं बैठा है यहाँ पे जो कहीं भी कैसे भी कुछ भी खा पी सके. ओके, तो ये प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ती हैं उसका इफेक्ट हमारी एजुकेशन पे, हमारी पढ़ाई पे भी होता है. अब ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन आप कहीं से भी, आप अपने घर पे बैठ के ले सकते हो ऑनलाइन एजुकेशन को. ठीक है, आपको ना खाने की दिक्कत होगी, ना पीने की दिक्कत होगी, ना मम्मी पापा की टेंशन होगी, ना किसी की याद आने वाली है घर पे, है ना. तो ये सारी जो टेंशंस हैं वो आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो बढ़ाएंगी. ये सारी टेंशन जब कम होंगी तो आपका एफिशिएंसी लेवल, आपके पढ़ाई में ध्यान, आप अगर लिटरली जेन्युइनली चाहते हो पढ़ना और आप जेन्युइनली चाहते हो IITs, NITs, नीट के थ्रू कोई अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में जाने का, तो आप एक्चुअली घर पे भी पढ़ सकते हो. अब बहुत से लोग कहेंगे कि मतलब जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, बाहर नहीं रहोगे, तब तक कैसा. भाई, स्ट्रगल हॉस्टल में पीजी में रहने से नहीं होता, सीधी बात है. आप हॉस्टल में पीजी में 4 साल रहे हो, वहाँ पे तैयारी अच्छे से ना करो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा. स्ट्रगल मेन मायने रखता है आपकी पढ़ाई में. अगर आप घर पे बैठ के भी उस लेवल तक की पढ़ाई कर पा रहे हो तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन पक्का है.
नो डाउट आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो जो स्ट्रगल वाली चीज़ है ये पढ़ाई के बेसिस पे लाइए, अपने रहन सहन बहुत मतलब कि ख़राब कर लो या खाना पीना मत खाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपनी पढ़ाई में आप जितना स्ट्रगल कर सकते हो, खाओ पियो सो मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो पढ़ाई बेसिक नीड है उसको करना ज़रूरी होता है, वो चाहे आप घर पे बैठ के करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। मम्मी पापा को भी कोई चिंता नहीं होगी आपकी, ओके। तो ये एक और मेरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको कोचिंग इंडस्ट्री में आप जाते हो तो देयर आर मोस्ट टू मोस्ट कितने 4-5 टीचर्स या 2-3 टीचर्स, मोस्टली आपको पढ़ाने वाला एक ही टीचर होता है। बट ऑनलाइन एजुकेशन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो देयर आर एन नंबर ऑफ क्रिएटर्स, एन नंबर ऑफ फैकल्टीज जिनसे आप पढ़ सकते हो, जिनसे आप कनेक्ट कर सको किसी भी टॉपिक के लिए। अगर आपको एक टीचर से नहीं आ रहा है कोई भी टॉपिक समझ, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल थर्मोडायनेमिक का कोई भी टॉपिक आपको मेरे से या किसी से भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप थर्मोडायनेमिक का वही टॉपिक वही लेक्चर किसी और फैकल्टी का भी देख सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर यू राइट देयर। और झूठ मत बोलना, आप लोग भी जब भी कोई भी चीज़ कोचिंग सेंटर्स में या कहीं पे भी आपके टीचर्स नहीं समझा पाते या समझाते हैं आपको समझ नहीं आता, आप कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे उतना, तो आप यूट्यूब पे जाके पढ़ते हो वो चीज़, ठीक है ना, और आपको वहाँ पे मोस्टली मैं कह सकता हूँ कि आपको समझ आता हो, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़े से प्लस पॉइंट है। निगेटिव पॉइंट मुझे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में ये लगता है कि हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर सकते, मतलब अगर आपको कोई डाउट है तो उतना आसानी से उतना इजीली हम लोग ऑनलाइन में सॉल्व नहीं कर सकते। इस चीज़ में मुझे कोचिंग थोड़ा सा बेटर लगती है कि वहाँ पे आपके सामने टीचर है, आप अगर जाके पूछ सकते हो तो पूछ लो। बट होता क्या है जनरली, मैं बताऊँ कि अगर आप कोचिंग सेंटर्स में भी हो ना, तो वहाँ पे जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाने आएगा तो एक पीरियड के बाद, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके एक पीरियड के बाद आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। अब उसमें से आपको पूछना है तो बहुत स्टूडेंट्स तो पूछ पाते ही नहीं हैं, सीरियसली मैं बताऊं तो। अगर आपके टीचर्स में एक्चुअल डेडिकेशन है, वो आपको अलग से बुला रहे हैं तो बात अलग है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं हर जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, है ना, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि बहुत सारे बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर ही नहीं पाते, ठीक है। अभी मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जब मैंने कोचिंग की थी तो मेरे साथ क्या हुआ था, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए। और एक बात, वहाँ पे जो टीचर्स हैं उनको सैलरी प्रोवाइड हो रही है, नो डाउट कि बहुत सारे टीचर्स, मोस्टली टीचर्स आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे वहाँ पे। बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको मिलेंगे जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, आप मतलब उनको नॉलेज बहुत सारा है बट एक्चुअल वे में वो कनेक्शन थोड़ा सा मिसिंग लगता है मुझे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे। जब मैंने, अगर मैं आपको बताऊं, जब मैंने कोचिंग की थी तो मेरे स्टार्टिंग से कुछ 3-4 मंथ्स तक जो टीचर्स थे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के, वो ऑसम थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, सब समझ आ रहा था। उसके बाद सडनली क्या हुआ कि उन तीनों का ट्रांसफ़र कर दिया गया, उन तीनों टीचर्स का ट्रांसफ़र कर दिया गया, और हमारे पास का एक सेक्शन था उसमें जो टीचर्स पढ़ाते थे एक्चुअली वो टीचर्स को हम लोगों में लगाया गया, और हम लोग लिटरली उनसे कनेक्ट कर ही नहीं पा रहे थे, हम लोग लिटरली उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो कनेक्शन जो पहले टीचर्स थे हमारे, मैं कोचिंग का नाम नहीं लूँगा, जो पहले टीचर्स थे हमारे उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन था, वो बहुत सही पढ़ा रहे थे, हम लोगों को सब कुछ समझ आ रहा था, क्वेश्चन वगैरह भी सब कुछ हो रहा था। बट फिर जब एट लास्ट टाइम पे उनको बदल दिया गया और हमारा काम हो गया। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है, मेरे पर्सनल ओपिनियन, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है ना, मैं किसी पे ये नहीं कह रहा कि हाँ ये गलत है, मैं पूरा टोटली डिसएग्री किसी से नहीं कर सकता हूँ, ये मेरा एक ओपिनियन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, सबसे पहली बात, ठीक है ना, मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ कि आपको, जिससे आप एक बेटर चीज़ चूज कर सको अपने लिए, क्योंकि यार एट लास्ट मेन मुद्दा क्या रह जाएगा, आपका फ्यूचर, दैट्स इट। और ये डिसीजन ऐसा है
कि आपके आने वाले 50 साल इस एक डिसीजन पे डिपेंड करेंगे एक्चुअली। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बेटर और मैच्योर डिसीजन लो जिससे आपका फ्यूचर एक अलग ही लेवल पे हो, ठीक है ना। और एक किस्सा मैं अपना शेयर करना चाहूंगा अपनी कोचिंग का। जब मैं एग्जाम देने वाला था तो जनवरी में एग्जाम होना था उस साल, ठीक है, होना था उसी साल, ठीक है। और ये न्यूज़ एक्चुअली आई अगस्त लास्ट या सितंबर स्टार्टिंग में, तो तब तक तो आराम आराम से कोर्स चल रहा था। और एट द एंड जैसे न्यूज़ आई और उन लोगों ने कोर्स कंप्लीट करना चाहा, जनवरी तक कंप्लीट हो जाए पूरा कोर्स 11 12th का साथ में, तो एट लास्ट हुआ क्या जाके, केमिस्ट्री और मैथ्स तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, बट फिजिक्स में जो 12th की सेकेंड बुक होती है जिसमें ऑप्टिक्स होती है, वो आप लोग गेस करो कि कितने दिन में ख़त्म हुई होगी। एट लास्ट कितने दिन में ख़त्म हुई होगी वो? एक महीना, 28 दिन, 25 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ये सारे गेसेस आ रहे हैं। मैं एक्चुअली जेन्युइनली बता रहा हूँ, वो पूरी बुक ऑप्टिक्स के साथ 8 दिन में ख़त्म कर दी गई थी, सिर्फ 8 दिन में, एट लास्ट मोमेंट, वो भी 4-4 घंटे की शिफ्ट्स लगा के। 4-4 घंटे की शिफ्ट लगाई गई, मैथ्स केमिस्ट्री की भी क्लास फिजिक्स की क्लास में इंक्लूड करी गई, और वो पूरी बुक सिर्फ 8 दिन में पढ़ाई गई है मेंस और एडवांस लेवल तक की। क्या आप लोग सोच सकते हो कि क्या हम लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी उस छोटे से टाइम में ऑप्टिक्स के, और उसके बाद के भी जो 2-3 चैप्टर्स हैं, क्या हम लोगों ने, मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर दैट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो एट लास्ट वो लोग ट्राई क्या करते हैं कोचिंग इंडस्ट्री में कि कोर्स कंप्लीट हो। और ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, हम लोग 1-2 साल से कंटेंट बना रहे हैं, तो हमारे कंटेंट पहले से अवेलेबल हैं। जो इंसान जो कुछ भी देखना चाहता है, जितनी बार भी देखना चाहता है, वो देख सकता है, उसको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बट कोचिंग सेंटर्स में आप अगर जाओगे और आप टीचर्स से दोबारा वो चीज़ पूछोगे, तो वो उतना डिटेल में नहीं बताएगा, है ना, आपको 1 घंटा पढ़ाने नहीं बैठेगा वो। तो ये चीज़ थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है मुझे। फिलहाल ये मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, मैं किसी से ये नहीं कह रहा कुछ गलत है कुछ सही है, सब अपनी अपनी जगह पे सही हैं, टीचर्स बहुत औसम हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी से। बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। बट मैं भी जानना चाहूँगा आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या ओपिनियन है, क्या डिसीज़न है, है ना। तो आई होप ये कुछ बातें थी जो आपको हेल्प करेंगी अच्छा डिसीज़न लेने में आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई होप आप बहुत अच्छे से डिसाइड करोगे। और पेरेंट्स के लिए भी, सर देखिए, अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि कोचिंग में जाके पढ़ो, फ़ोन से कौन सी पढ़ाई होती है, ऑनलाइन कौन सी पढ़ाई होती है, तो वो उनकी गलती नहीं है। वो जिस टाइम से हैं उस टाइम पे कोचिंग सेंटर्स में जाके ही पढ़ाई होती थी, उन लोग वहाँ पे ऑनलाइन का कोई वो नहीं था, तो जैसा उनका एनवायरनमेंट था उनकी थिंकिंग भी उसी टाइप की है। तो मैं पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा स्टूडेंट जो भी है, अगर वो दिल लगा के अपने मन से चाहता है IIT में सिलेक्शन या किसी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन, और वो जेन्युइनली पढ़ रहा है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन से कमाल करके दिखा सकता है, इट्स माय प्रॉमिस, है ना सर। लेकिन अगर आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप ले रहे हो तो उसमें आपको खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, आपको डंडा लेके कोई नहीं पढ़ाएगा आके। और जनरली मैं बताऊं कि कोचिंग सेंटर्स में भी कोई डंडा लेके नहीं पढ़ाएगा आके। अगर आप अलग अलग कोचिंग करते हो, इंडिविजुअल कोचिंग करते हो, तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जहां एक एक बैच में 600-700 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप लोग खुद सोच लो वहां पे क्या किसको क्या समझ आता होगा, बट वो कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, जो भी है। बट मुझे तो नहीं लगता 600-700 बच्चों में कुछ समझ आता होगा, या एक टीचर किसी भी एक बच्चे पे फोकस कर पाता होगा, उसको समझा पाता होगा। बात कर रहे हो, बात करो, पढ़ना हो पढ़ो, नहीं पढ़ना हो मत पढ़ो। उनको 10 नाम चाहिए और उनके पास 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 10,000 बच्चों में से 10 नाम निकल आ देंगे, उनका पोस्टर बन जाएगा, उनका काम हो जाएगा। डिसाइड आपको करना है कि आप कहाँ पे हो, ठीक है ना।
तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कोचिंग सेंटर्स में भी उठानी पड़ेगी और ऑनलाइन एजुकेशन में भी, क्योंकि आपको डंडा लेके पढ़ाने वाला अब कोई नहीं आएगा उस टाइम पे, ठीक है ना। तो आई होप आप अच्छे से डिसाइड करोगे, कुछ समझ आया होगा, कुछ सीखा होगा अच्छा इस वीडियो से। ओके, सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और ऑल द बेस्ट फॉर योर डिसीजन। एंड एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल दोज क्रिएटर्स, ऑल दोज फैकल्टीज who work very hard to provide the quality education free of cost to our students. Hats off to you, sir. And thank you so much. That's it.